एक सर्वे नंबर 225/2 ये सर्वे नंबर की जो क्रॉस कर लो तो जगह है, इस जगह के ऊपर 600 मकान बने हुए हैं, 600 घर बने हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, ये जगह इनामी जगह है और इनामी जगह एक राजा बहादुर जो परिवार है वहां मालेगांव के अंदर, उसको महाराष्ट्र सरकार ने इनामी जगह दी थी खेती करने के लिए। लेकिन 40 से 50 वर्ष पहले राजा बहादुर फैमिली ने वहां पर 600 लोगों को भाड़े करी तत्व के ऊपर उनको रहने का अधिकार दिया, वहां पर वो लोग रह रहे हैं। लेकिन अभी 3 महीना पहले वो इनामी जगह को राजा बहादुर परिवार ने एक व्यक्ति को एक व्यक्ति और एक सिंडिकेट को वो जगह बेच दी। राज्य सरकार का कायदा है कि अगर इनामी जगह को अगर किसी को बेचना है तो राज्य सरकार का जो पट है, जो उसके वैल्यूएशन के 50% राज्य सरकार को अदा करना चाहिए, उसके बिना उसको बेचना नहीं चाहिए था। लेकिन मालेगांव शहर के तहसीलदार ने, एडिशनल कलेक्टर और प्रांत कार्यालय ने मिलकर उसको बिना पट भरे, बिना उसका पैसा लिए हुए बायकायदा उसको परमिशन दे दी और उसके बाद वो जगह की खरीदी हो गई बिना पट भरे। और ये राज्य सरकार का करोड़ों रुपए का वहां पर नुकसान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो जो अधिकारी ने उसके अंदर मुलविस है, जिन्होंने परमिशन दी, जिन्होंने पट नहीं भरवाया, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त सरकार ने एक्शन लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 600 परिवार है वहां पर और रमजान महीने के अंदर जो लोगों ने जमीन खरीदी, एक सम्मानी वहां का एक नगर सेवक और वो सिंडिकेट के लोगों ने एक पॉम्पलेट पूरे 600 घर के अंदर बांट दिए और ये कहा कि अगर आपने घर खाली नहीं किया, आपने सेटलमेंट नहीं किया तो आप लोगों की बस्ती को उजाड़ दिया जाएगा। इस तरीके का गंभीर वहां पर उन्होंने अनाउंसमेंट किया और आज वहां के लोग बहुत परेशान है। और हमारी ये डिमांड है सरकार से कि जो 30 बरस 40 बरस 50 बरस से वहां पर लोग रह रहे, सरकार ने वो जगह को जमा करना चाहिए, वो खरीदी को रद्द करना चाहिए और वहां पर जो लोग रह रहे 600 परिवार के लोग, वो सरकार ने उन लोगों को जगह को दे देना चाहिए। यह आज हमारी डिमांड। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय।